हमें लूटा जा रहा है। अगर हम लोग सोए रहेंगे तो सेंटर को कैसे पता चलेगा। आदाब दोस्तों, मैं रिजवान खान बुराक आप लोगों के साथ। मैंने एक आरटीआई लगाई है जो 4G के रेट्स में हमें 2G की सर्विसेज जम्मू कश्मीर के अंदर दी जा रही है उसके ऊपर। ये आरटीआई जो है डिपार्टमेंट ऑफ कॉम्युनिकेशन और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दोनों को मैंने भेज दी हैं। इसके अकॉर्डिंगली मैंने 4 सवाल पूछे इन लोगों से। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने इन लोगों से पूछा है 4G की रेट्स में हमें 2G सर्विसेज जम्मू कश्मीर में क्यों दी जा रही है पिछले 3.5-4 महीने से। उसके बाद दूसरा सवाल था कि मोबाइल इंटरनेट जो यूजर्स हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर कितने हैं जो 2G सर्विसेज जो है यूज कर रहे हैं 4G के रेट्स में। उसके अलावा थर्ड क्वेश्चन था वो मैंने ये कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इस डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर क्यों अभी तक साइलेंट बैठी हुई है। इसके अलावा जो फोर्थ क्वेश्चन था जो मैंने पूछा है टेलीकॉम कंपनीज हैं जम्मू कश्मीर के अंदर उनको एंटरटेन क्यों किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है हम लोगों के साथ। मैं तमाम लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ अपने धर्म से, अपने मजहबों से और अपनी पॉलिटिक्स से उठ के सोचने की बात है। सभी लोग 4G के जो चार्जेस है पे कर रहे हैं और हमें मिलकर 2G मिल रहा है। मैं कहता हूं मत दो 4G, लेकिन एटलीस्ट जो चार्जेस हैं वो तो 2G के हमारे से चार्ज किए जाएं। मिनिस्ट्री ये जो हमारी गवर्नमेंट है किसी ने कोई आवाज उठा के राजी नहीं है। मुझे एक बात बड़ी क्लियरली आप बताइए, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी इसी के ऊपर, लोगों ने देखा, कमेंट किया, शेयर किया, दैट्स इट, बट कोई रिस्पॉन्ड उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं आया। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव जो पॉलिटिशियंस हैं जिन लोगों को हमने वोट दिया, बड़ी उम्मीदों के साथ हमने सोचा था कि हमारे फ्यूचर को बेहतर बनाएंगे ये लोग, उनमें से किसी भी इंसान ने आवाज़ नहीं उठाई। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप शेयर करो, उन लोगों तक पहुँचाओ ताकि उन लोगों को थोड़ी सी गहरत आए शर्म। मेरी इस वीडियो का मोटिव बड़ा क्लियर है कि हमें लूटा जा रहा है। 2G की सर्विसेज देखिए, 4G के चार्जेस हम लोग इनसे लिए जाते हैं। हमारी गवर्नमेंट, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे रिप्रेजेंटेटिव कोई भी आवाज़ उठा के राजी नहीं है, कोई किसी को कुछ नहीं पूछ रहा है, अपनी अपनी पॉलिटिकल जो है सियासी रोटियां सेक रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है एटलीस्ट उनको भी पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी जो है वो हमारे यहाँ की जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस, सो कॉल्ड लीडर्स हैं हमारे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से फोटोज क्लिक करके मीडिया पे डालते हैं, वो भी डोनेशन के साथ। वैसे पॉलिटिशियंस नहीं चाहिए, वो सिर्फ यही काम कर सकते हैं। हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो हम लोगों की आवाज़ सेंटर तक नहीं पहुंचाएंगे। सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों से एक बात हमेशा मैंने अपनी वीडियोस में कही है, मैं इस बार भी वही बात कहना चाहूँगा कि बच्चे को अगर भूख लगी है ना तो बच्चा अगर रोएगा, चिल्लाएगा, माँ बाप को पता चलेगा ना। अगर हम लोग सोए रहेंगे तो सेंटर को कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी नीड है, हमारी कौन सी परेशानियां हैं, क्योंकि ये जो लीडर्स हमने बनाए हुए ये सिर्फ कमाने के लिए आते हैं। दे आर हेयर टू अर्न मनी ओनली, दैट्स इट। ये क्लियर मोटिव है इन लोगों का, ये सेंटर तक हमारी बातें पहुंचाते भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कि प्लीज इसको देखा जाए, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, कि हमें हमारे हक की बात करनी है और उम्मीद करता हूँ इसका कुछ हल निकलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लव यू ऑल।